जिला बिलासपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रोजाना जिला में 70 से 80 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर ने बताया कि जिला में 561 एक्टिव केस हैं। अधिकतर मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। कोविड केयर सेंटर में 9 मरीज हैं, जबकि कोविड हेल्थ सेंटर में कोई भी मरीज नहीं है। उन्होंने बताया कि एक मरीज को कोविड अस्पताल नेरचौक रेफर किया गया है। इसके अलावा जिला में 2 PSA प्लांट उपलब्ध हैं, जिसमें 2 प्लांट सिविल अस्पताल घुमारवीं व 1 प्लांट क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में है। यदि इंडोर में देखा जाए तो प्लांट के माध्यम से मरीजों को ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये प्लांट ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पर्याप्त हैं। यही नहीं, 400 के करीब डी और बी टाइप सिलेंडर भी विभाग के पास उपलब्ध हैं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जैसा कि आप जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से कोविड के जो केसेस हैं इनकी गिनती काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। रोज़ हमारी 70-80 की एवरेज के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं और आज की डेट में हमारे पास 561 लोग हैं जो एक्टिव केसेस हैं। लेकिन एक अच्छी बात इनमें यह है कि जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात यह है कि जो पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। सिर्फ 9 पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे कोविड केयर सेंटर में हैं और कोविड हेल्थ सेंटर में हमारा एक भी पेशेंट अभी आज एडमिट नहीं है। एक पेशेंट है जिसको हमने कोविड हॉस्पिटल नेरचौक में रेफर किया है, तो बाकी सारे जो पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। जहाँ तक तैयारियों की बात है, तैयारियाँ तो जैसे कि कोविड की जो सेकेंड वेव थी जिसमें मॉर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा थी और सीरियस पेशेंट उसमें ज़्यादा हो रहे थे, इल ज़्यादा हो रहे थे, सिक ज़्यादा हो रहे थे, तो उस समय हमने काफ़ी अच्छी तैयारियां की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 3 PSA प्लांट हैं, 2 PSA प्लांट CH घुमारवीं में, सिविल हॉस्पिटल घुमारवीं में हैं, और एक जो PSA प्लांट है वो RH बिलासपुर में है। तो इस तरह से ये जो तीनों PSA प्लांट्स हैं, ये हमारे पास, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते भी हैं जो एडमिट होंगे तो उनके ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए काफ़ी होंगे। लेकिन 3 PSA प्लांट के अलावा हमारे पास 400 के आसपास डी टाइप और बी टाइप सिलेंडर्स हैं, तो वो भी हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है। और क्योंकि इस वेव में ये देखा जा रहा है कि पेशेंट ज़्यादा सीरियसली सिक नहीं हो रहे हैं, तो होम आइसोलेशन में है, तो अब हमारे पास जो हमारा ज़्यादा जोर इस बात पे है कि जो होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं उनको मेडिसिन टाइमली मिले, उनको पल्स ऑक्सीमीटर मिले, ताकि वो लोग अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते रहें और दवाई खाते रहें और जल्दी से जल्दी ठीक हों। जैसा कि आप जानते हो कि आजकल होम आइसोलेशन का पीरियड सिर्फ 7 दिन का है। अगर 7 दिन तक पेशेंट घर में रहता है और उसको आखिरी में 3 दिन बुखार नहीं आता तो वो उसका होम आइसोलेशन ख़त्म हो जाता है। तो इसी को देखते हुए हमारे पास अब दवाई भी सफिशेंट क्वांटिटी में है, पल्स ऑक्सीमीटर हम हर मरीज को दे रहे हैं। और एक जो नया हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो काम हुआ था वो ये हुआ कि पेशेंट जहाँ पे भी पॉजिटिव डिक्लेयर होता है, मतलब जहाँ पे भी उसका टेस्ट होता है, उसी समय उसको दवाई दे दी जाती है ताकि उसको मेडिसिन मिलने में डिले ना हो। और जब वो अपने घर जाता है तो कंसर्न्ड मेडिकल अफसर या आशा वर्कर उसको पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड कर देती है। जानते हैं कि जो ये जो ओमाइक्रॉन का जो वेरियंट था, ये जो ब्राज़ील से या साउथ अमेरिकन कंट्री से आया था, तो उस समय भारत सरकार ने कुछ एक दिशा निर्देश जारी किए थे कि जो विदेश से जो भी यात्री आएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा 7 दिन तक, और उनका आते ही टेस्ट किया जाएगा RT-PCR और 8वें दिन टेस्ट किया जाएगा। तो अभी तक हमारे पास 165 लोग हैं जो जिला बिलासपुर में विदेश से आए हैं, उनमें से 153 लोगों का हमने आते ही टेस्ट किया है और केवल 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनको जिनके सैंपल हमने सीक्वेंसिंग के लिए NCDC दिल्ली भेजे हैं। और 9 लोग ऐसे थे जो जिनकी लिस्ट हमारे पास आई थी लेकिन वो बिलासपुर जिला में नहीं आए, वो कहीं बाहर ही रहे, तो उनको छोड़ के बाकी के हमने सबके टेस्ट कर लिए हैं। जो पिछले दिनों में पिछले दिन जो 3 लोग आए हैं उनके भी हम 8 सैंपल ले रहे हैं। इस तरह जितने भी विदेश से जो यात्री आए थे सबके हमने टेस्ट किए हैं।